देखो भाई, देखो अब करते हैं 30 क्वेश्चन। परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन बच गए थे शीट नंबर 3 के, जो हम अब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आज शीट नंबर 4 भी है, छोटी छोटी सी शीट है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज पूरा परसेंटेज टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्लास को आप पढ़ लो। देखो, एक कंपनी अपने विक्रेता को 12,000 रुपए की बिक्री पर 17% कमीशन देती है। अब हमने मान लिया, एक टाइम लाइन अपने ड्रॉ कर ली, जिसमें 12,000 रुपए पे दे रहा है 17% कमीशन, और 12,000 रुपए से ज्यादा पर दे रहा है 12-17%, तो जो देगा वही देगा, प्लस 22% दे रहा है, तो मतलब 5% दे रहा है ज्यादा। ठीक है, प्लस 5% ज्यादा दे रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यहाँ पे भी 5% था, मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया यहाँ पे भी 5% था, मैंने बराबर कर लिया, तो 12,000 का 5% कितना होता है? 12×5=60, 600 रुपए। 600 रुपए होता नहीं होता? 600 रुपए होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, इसने बोला है यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई काट कर, सेल्समैन क्या है, कुल बिक्री से अपनी कमाई काट कर 47,400 रुपए देता है। अब उसने कंपनी को दिए 47,400 रुपए, 47,400 रुपए दिए कंपनी को। ठीक है, कंपनी को दिए 47,400 रुपए। अब एक बात बताओ, अगर ये 5% कमीशन और होता, मैंने जो यहाँ पे लगाया था ना 5% कमीशन, ये 600 रुपए और होते, तो ये सेल्समैन का कमीशन बनता ना। अगर मैं 17% जो था वो तो था ही, 5 12,000 पर 5% एक्स्ट्रा कर देता, तो जो 600 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलते वो किसको मिलते? सेल्समैन को मिलते। सेल्समैन को मिलते तो जो कंपनी को 47,400 रुपए जो पहले दे रहा था, उसमें से 600 रुपए कम देता नहीं देता? उसमें से 600 रुपए कम देता ही नहीं देता। ठीक है, अब कंपनी को कितने रुपए देता है वो? 47,400 में से 600 रुपए कम करेंगे तो आएगा 46,800 रुपए, तो वो कंपनी को देता 46,800 रुपए। ठीक है, अब बोलना क्या है कि भाई देखो, 17 हमने यहाँ पे भी 22% कर लिया, यहाँ पे भी 22% कर लिया, तो 22% प्रॉफिट तो हो रहा है किसको? सेल्समैन को। 22% तो प्रॉफिट हो रहा है सेल्समैन को, तो सीधी सी बात है 78% हो रहा होगा कंपनी को। 78% होगा, नहीं होगा? तो जो पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 78% की जो वैल्यू है ना, वो है 46,800, क्योंकि कंपनी को कितने रुपए दिए? कंपनी को दिए हैं 46,800 रुपए, जो कि 78% की वैल्यू है। अगर 78% की वैल्यू 46,800 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? तो सीधा सीधा आप किसको सोल्व करोगे, तो 100% की वैल्यू आएगी 60,000 रुपए। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे? 78 को नीचे ले आना, और जो कटा पिट्टी जो हो कर लेना, और 100 से कर देना मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर आएगा 60,000 रुपए। ठीक है, अब देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10.2% का कमीशन मिलता है, 10.2% का कमीशन मिलता है कुल बिक्री पर। ठीक है, आगे बोला है यदि बिक्री 15,000 रुपए से ज्यादा हो, मतलब ये तो 15,000 तक तो देता है कमीशन इतना, और इससे अगर ज्यादा हो तो वह देता है 8.5% बोनस, मतलब 10.2 प्लस 8.5%। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अब देखो, अब क्या बोला है आगे,
8.5% बोनस मिलता है यदि कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो। ठीक है भाई, 15,000 रुपए से अधिक हो। आगे क्या बोला है, तो यदि कुल बिक्री 15,000 रुपए से अधिक हो तो उसकी कुल कमाई 3,180 रुपए है। कुल की कमाई, कुल कमाई कितनी है? 3,180 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने मान लिया कि इस बंदे ने 15,000 रुपए ही बेचे, 15,000 रुपए का सामान बेचा, तो उसको कितना परसेंट, 10.2% से होगा ना, तो कितना हो गया, 1,530 रुपए आएगा नहीं आएगा? 15,000 का 10.2% कितना आएगा, 1,530 रुपए। मतलब वो 1,530 रुपए कमाता हो, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कमा रहा है 3,180 रुपए। कितने कमा रहा है वो 3,180 रुपए कमा रहा है। तो 3,180 रुपए कमा रहा है, बट अगर 15,000 रुपए की ही सेल करता हो तो कितने रुपए कमाता है वो, 1,530। तो ये जो एक्स्ट्रा जो रुपए कमा रहा है 3,180 में से 1,500 माइनस करेंगे तो 1,650 रुपए आ गए। तो ये 1,650 रुपए जो ज्यादा कमा रहा है ना, वो क्यों कमा रहा है? वो कमा रहा है यहाँ इसकी सेल की वजह से। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10.2% तो ये है और 8.5% ये है। एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं 10.2% तो पहले जो मिल रहा था वो है रेशो और ये है 8.5%। ठीक है, अब हमें पता है 17×85 और 17×6 102, 6:5 में है नहीं है, 6:5 में हो गई नहीं, ये 10.2% और 8.5%, 6:5 में हो गई। अब मेरी बात को समझो, ये 1,650 रुपए जो आए थे हमारे, जो ये 1,650 रुपए थे, ये आए हैं 10.2 और 8.5 दोनों की वजह से, है ना? तो दोनों की वजह से आए हैं, तो 6 और 5 की वैल्यू कितनी होती है, 11। मतलब 11 यूनिट जो है ना, इसकी जो वैल्यू है वो है 1,650। पूछा क्या था, पूछा है उसमें बोनस कितना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 11 यूनिट की वैल्यू अगर 1,650 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 150। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 150, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो आएगा 750। तो 750 आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया ये वाला? समझ में आया? कोई नहीं, मैं फिर बताता हूँ। देखो, इतना समझ में आ गया ना कि ये क्या क्या है, 10.2% प्लस 8.5% इसने दे रखा है अलग अलग। हमने क्या किया, हमने इस 15,000 रुपए का 10.2% निकाल लिया, हमने 15,000 रुपए का 10.2% निकाला जो कि 600 आया। कितना आया, 600। मतलब कि जो 15,000 रुपए वो सामान बेचता तो उसको 600 रुपए का प्रॉफिट होता। कितने का होता, तो क्या कितना निकाला था, रुक जाओ, 600 का नहीं, 15,000 का 10% कितना होता है, 1,500 और 2 का 30, 1,500, 1,530, सॉरी 1,530। अगर वो 15,000 रुपये का सामान बेचता तो उसको 1,530 रुपये का प्रॉफिट होता, बट उसने सामान जो बेचा है वो 15,000 से ज्यादा का बेचा है। ठीक है, कितना बेचा है, 15,030, ना सॉरी 1,530 का भेजा। ठीक है, मेरा माइंड है ना कहीं और जा रहा है, 1 सेकंड रुकना।
देखो हजार से ज्यादा का जाएगा ना, तो ये हमारा 15,000 पे तो 10.2% का 15-30 रुपया हो गया, ठीक है। और उससे ज्यादा पे हमारा उससे ज्यादा कुछ इनकम उसने बेची है, सेल की है, जिसकी वजह से 3,180 रुपये मिले। अब एक बात बताओ, 3,180 रुपये मिले हैं, बट वो हमारे अकॉर्डिंग अगर 15,000 ही बेचता तो कितना आता? 1,530 रुपये आता। तो 3,180 में से 1,530 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1,650। मतलब कि 1,650 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, जो जितना ज्यादा बेचा है ना उसकी वजह से हो रहा है 1,650 रुपये का प्रॉफिट। 1,650 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक्स्ट्रा बेचने पे हो रहा है। अब एक बात बताओ, हम निकालने में तो हम सीधा वैसे निकाल सकते हैं, जैसे 10.2% ये है और 8.5% ये है, कितना हो गया? ये हो गया 18.7%। अब 18.7% की वैल्यू 18.7% की वैल्यू 1,650 रुपये है। 18.7% की वैल्यू 1,650 है, तो क्वेश्चन में कितना क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा है तो उसका बोनस कितना है? अगर 18.7% की वैल्यू 1,650 है तो बोनस कितना था? 8.5% की वैल्यू पूछी है। बट एक बात बताओ, ये 18.7% जो है और 8.5% कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट बन जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने इसको तोड़ लिया रेशो में। भाई रेशो में तोड़ लिया हमने इसके लिए। रेशो में तोड़ने का फायदा क्या होगा भाई? 10.2 और 8.5 को 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, मतलब ये अगर 6 यूनिट है तो ये है 5 यूनिट। अब हमारे समझ में आया कि भाई 6 यूनिट ये हैं, 5 यूनिट ये हैं, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,650 एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 11 यूनिट की वजह से। 6 और 5, 11 यूनिट। अगर 11 यूनिट की वैल्यू 1,650 रुपये है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? वो होगी 150। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो बोनस कितना था? बोनस था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 750। आवाज समझ में? समझ में आया? अब वो मैंने ये फैक्ट जो तोड़े हैं ना रेशो में, ये रेशो में सिर्फ इसलिए तोड़े हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी कर सकते हो तुम वैसे भी कर सकते हो जो अभी पहले बताया था वो, बट रेशो में तोड़ने से हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। देखो 32, देखो 32 देख लो, 33 का आधा क्वेश्चन ही है ना। 33 भी उसी टाइप का था, पर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, 33 इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देना, ठीक है। 32 देख लेते हैं, 32 भी तुम कर सकते हो आराम से, जो अभी भी जो किया ना वैसे ही था। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन मिलता है और 16,000 रुपये से ऊपर पे बोनस मिलता है। तो एक लाइन हमने ड्रा कर दी, यहाँ पे 16,000 रुपये और ये उससे ज्यादा के हो गए, ठीक है। एक सेकंड रुकना, ये क्या हो गया? ठीक है, 16,000 रुपये तक ये हो गया, इससे ज्यादा होगा प्लस, आराम से कर लेते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 16,000 रुपये तक तो ये आ गई, और उसके ऊपर जो प्लस में जो आएगी उस पे जो अलग मिलेगा बोनस वो अलग मिलेगा। तो यहाँ पे तो मिल रहा है 14%, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है 14% तो कमीशन प्लस में बोनस। आगे क्या बोला है? यदि वह 2,160 रुपये का बोनस प्राप्त करता है, एक बात याद रखना, इसने बोनस की बोल दी कि बोनस प्राप्त करता है 2,160 रुपये। देखो हमारे 16,000 रुपये का 14% कितना होगा? 2,240।
ये 0 से 0 कट जाएंगी और ये 0 आ जाएगी, और 14 छक्के 84, 4 और 14 4 ना 14 8 22, तो 2240 रुपए तो आ जाएंगे, 14% की वैल्यू 16,000 रुपए की। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि वह 2160 रुपए का बोनस प्राप्त करता है। अब एक बात बताओ, हमारे क्वेश्चन क्या कौन दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम कैसे कर सकते हैं भाई, हमें पता है कि बोनस हमारा 4.5% है, हमारा बोनस कितना है 4.5%, तो 4.5% की वैल्यू दे रखी है 2160, इस 4.5% की वैल्यू 2160, तो ऊपर के जो रुपए थे ना उस पे मिल रहा है 4.5% का 2100 रुपए, तो इस 14% की वैल्यू कितनी आएगी। एक तो हमारा इस तरीके से निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से, या मैंने क्या किया दूसरा, मैंने इसको रेशियो में तोड़ लिया, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो मैंने क्या किया इसको तोड़ लिया थोड़ा, एक सेकेंड रंग बदल देता हूं, 14% को और 4.5% को, तो 5 को करेंगे तो जैसे ये पॉइंट था या मैंने 0 मान लिया, अरे यार ये 0 कर दिया मैंने, 140 कर दिया, इस पॉइंट को हटा दिया, तो 5 नीम 45 और 5 दूनी 10 और 5 अंठे 40 28, 9 रेशो 28, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2160 रुपए। इस 9 यूनिट की वैल्यू अगर 2160 रुपए है तो कितने गुना है, ये कितने गुना है, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 और 0, 240 गुना है ये। अगर ये 240 गुना है तो टोटल ये 28 ये है और 9 ये है, कितनी होगी 37 यूनिट, तो 37 यूनिट कितनी होगी, 37 यूनिट की भी तो 240 गुना होगी, मतलब ये तो हमने निकाल लिया 2240 रुपए है, बट इस टाइम इस साइड का जो है 28 ये था और 9 बोनस था, टोटल हो गया 37 यूनिट, और 37 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 240 के हिसाब से कितनी होती है, इसको गुणा करोगे ना आप 37 को 240 के साथ तो आएगा 8,880, कितना आएगा 8,880, ये आ जाएगा बोनस, ये आ जाएगा 12,000, कितना था 16,000 था ना, हाँ 16,000 से ज्यादा के कमाई, 16,000 से ज्यादा की जो सेल करेगा ना वो, उसकी वजह से तो 8,880 रुपए उसको मिलेंगे, और 16,000 रुपए तक इसको मिलेंगे 2240 रुपए, तो दोनों का जोड़ के टोटल आ जाएगी कमाई, तो 2240 को और 8,880 को तुम जोड़ोगे तो हमारा आएगा 11,180, तो ये ना 120, ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये वाला समझ में आया। ठीक है, अब करते हैं अगली सीट, सीट नंबर 4 करेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करो, मैं एक सेकंड थोड़ा सा काम कर रहा हूं, 1 मिनट ये पहला क्वेश्चन ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। देखो, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार थे, इसके दो तरीके हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो जो हम देखो, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार हैं जो अंग्रेजी भाषा को, और 85% उम्मीदवार गणित में, ये पास हुए हैं। मान लिया हमने क्या किया, 80% तो हमारे अंग्रेजी में हो गए, ये तो हमारी इंग्लिश हो गई, और दूसरा क्या हुआ है गणित में, दो ही सब्जेक्ट हैं तो हमने ऐसा कुछ बनेगा, ये हमारे मैथमेटिक्स हो गया। अब क्या बोला है, 80% तो है अंग्रेजी में, ये तो है 80% कि ये है 80%, और ये कितने हैं 85%, और अगर इन दोनों विषयों में 73% पास हुए,
मतलब कि जो ये बीच में है ना, इसकी वैल्यू है 73। अगर ये 73 है तो ये कितना बचेगा, 85 में से कितना कम है ये, 73 कम करोगे तो 12%, तो ये 12% बच जाएगा। ठीक है, अगर ये 12% बच गया, अब इस साइड 80 टोटल था, 80 में से 73 में 73 तो हो गए दोनों, तो अकेले ही इंग्लिश में कितने पास हुए होंगे, 73 और 7 80, तो यहाँ पे हुए होंगे 7। अब इनका कोई रोल नहीं है, इतनी बात समझ में आ गई। ये मतलब पास हुए टोटल। अब एक बात बताओ, इसने पूछा है कि दोनों विषयों में कितने परसेंट उम्मीदवार फेल हुए। अब एक बात बताओ, इंग्लिश अकेली में 7, अरे यार शिट, कट, ये अरेजर पे क्लिक था, कितना था, 7% था ना ये, 7। देखो अंग्रेज इंग्लिश में अकेली में 7 है, ठीक है, इंग्लिश और मैथ दोनों में 73 है, ठीक है, मैथ अकेले में 12 है, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया टोटल, 73 और 7 80, और 80 और 12 92, मतलब कि 92% तो हुए हैं पास, तो फेल कितने हुए, इसने फेल पूछा था, तो टोटल 100% होते हैं, तो 92 में से मतलब 100 में से 92 गए, तो 8%। एक तरीका तो है ये, दूसरा तरीका क्या है देखो, दूसरा तरीका तुम डायरेक्ट देखो, हमें पता है 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए हैं, ठीक है, 85% हमारे गणित में पास हुए हैं, जोड़ दो, और जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, देखो 80% अंग्रेजी में और 85% गणित में, अब जो दोनों में पास हुए हैं वो इसमें भी आ चुके होंगे और इसमें भी आ चुके हैं, एक बार ही लेना है तो एक बार कर दो माइनस, कितने परसेंट, 73%, 73% उम्मीदवार पास हुए थे, ये कर दो माइनस, तो हम क्या करेंगे, 8 और 8 16, 165 तो ये आ गया, 165 में से 73 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 92%, मतलब कि 92% हुए पास, तो फेल कितने हुए, 8%। समझ में आया, ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, पहला तरीका लगा लेते हैं, 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है, 65% हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है, और अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, एक बात ध्यान रखना, इसमें केस हो गया उल्टा, अगर ये पूछता ना, अगर ये इस क्वेश्चन में ये होता, अगर 27% छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो भाई हमें पता है या तो इसमें मिलेंगे वो 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं, और 27% छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो इनमें से माइनस करना पड़ता, क्यों, क्योंकि या तो वो इसमें आए होंगे या फिर इसमें आए होंगे, इनमें से एक में आ चुके वो, तो हम माइनस करते, बट इसने क्या बोला है कि 27% छात्र जो हैं तो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो नहीं बोल सकते तो ये अलग हो गए, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करने से क्या आएगा, इनको जब जोड़ोगे तो आएगा 162, मतलब कहने का मतलब ये है 162 आ गया हमारा, पर होता कितना है, होता है 100%, तो कितना ज्यादा है, 62% ज्यादा है, तो 62% ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, जो 62% जो है ना वो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, वो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा था कि भाई समूह का वो हिस्सा पूछा था जो दोनों भाषा, इसमें लिखा नहीं है, लिख लो कौन सा, दोनों भाषाएं बोल सकता है, दोनों दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, तो 62% ऐसे होंगे जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, कर लोगे इस क्वेश्चन को, इस तरीके से करो, इस तरीके से कर लेना, और जो दूसरा तरीका जो पहले बताया था ना उससे करूं, उससे करवाऊं क्या, ये जो दूसरा तरीका था उससे करूं, चलो एक बार करवा देता हूं, अगला नहीं करवाऊंगा, ठीक है, एक बार ये करा देना, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़े वीक भी मिलेंगे, करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो होगा, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब देखो एक पानीपत का भी दोस्त है मेरा, उसको तो ये क्वेश्चन 2 बार समझाऊंगा ना, जब जाके समझ में आएगा, एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो वो भी देखता है, तो
एक बार करवा देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो, छात्रों के एक समूह में 70% जो है वो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो इंग्लिश की हो गई, इंग्लिश की हमने माइंड में रख ली 70%, और हिंदी बोल सकते हैं 65%, ये हो गए हिंदी वाले। ठीक है, अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोलते, मतलब 27% बाहर के बंदे हो गए, 27% हो गए बाहर के। ठीक है, ये है 70%, इन्हें काट देता हूँ एक बार। अब एक बात बताओ, इसने दोनों का नहीं दे रखा, तो दोनों का हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये कितना हो गया, अंग्रेजी के 70% थे तो यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी कितने बोलेंगी, 70 माइनस एक्स, और सिर्फ हिंदी कितनी बोलेंगी, हिंदी टोटल 65 थे तो 65 माइनस एक्स। अब कुछ नहीं, इनको जोड़ दो बस, इनको जोड़ के सोल्व कर लो भाई, 70 और माइनस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा ये। ठीक है, 70 ये हो गए, 65 ये हो गए, 135 हो गए, 135 माइनस एक्स, 135 माइनस एक्स, और प्लस में ये 27, बराबर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो यहां से एक्स को सोल्व करोगे ना, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 62, यही हमारा आंसर था। ठीक है, इस तरीके से ये कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कर लोगे, करवाऊं, थर्ड क्वेश्चन कर लोगे या करवाऊं। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% दोनों में फेल हुए, तो जोड़ दो इनको से दो तीनों, क्योंकि देखो ऊपर वाले तो पास हो रहे हैं, 70 और 80 हो गए, 150 और 10% ये हो गए, मतलब 160%, 160% हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, 100 से कितना ज्यादा है भाई, ये 60% ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ ये 60% जो है ना, वे दोनों विषय में पास हुए हैं। बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दोनों में उत्तीर्ण 144 है, तो 60% की वैल्यू आ गई 144, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 240, 240 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बेसिक तरीके से जो अभी बनाया था ना ग्राफ बना के, वो तुम खुद ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो बताना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे, तो असफल दोनों में असफल हैं, तो जोड़ दो एक बार, 53% इसमें असफल हैं और 48% इसमें असफल हैं, और इसने क्या बोला है, यदि दोनों विषयों में 40% फेल हुए, तो 40% दोनों, ये भी फेल के थे, ये भी फेल के थे, तो -40 कर दो, तो मतलब टोटल कितने परसेंट फेल हुए, इतने फेल हुए, इसको जोड़ लो, 8 और 3 11, और 5 और 4 9 10, ठीक है यही आएगा ना 101, 101 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा 61%, 61% क्या हुए, फेल हुए हैं, तो पास कितनी हुए होंगे, टोटल होता है 100%, तो 39% हो गए पास। दूसरे तरीके से खुद करना, उस तरीके से ट्राई जरूर करना, क्योंकि वो तरीका, वो तरीका बहुत काम आएगा बाद में। ये तो हमारे जो दो, अगर दो सब्जेक्ट दे रखे हो ना, तो उसके लिए तो ये तरीका बेस्ट है जो अभी कर रहे हैं, पर तीन का जब पूछेगा ना, तब वो तरीका काम आएगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस रखियो, ऐसा नहीं कि उसकी प्रैक्टिस नहीं रखनी। ये क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 56% गणित में असफल हुए। देखो हमने क्या किया भाई, 48% उम्मीदवार तो हुए विज्ञान में पास, 56% गणित में अगर असफल हुए हैं, तो पास कितने होंगे, पास हुए होंगे 44, 56 और 44 100 होता ना, तो पास हमने जोड़ लिया, ये भी पास है, ये भी पास है, पास और पास। आगे क्या पूछा है, यदि दोनों विषयों में 32% फेल हुए, तो अगर ये पास का है, ये पास का है, पर ये आ गया फेल का, तो फेल का जोड़ दो, तो कितना आ गया, 48 और 32 80, 80 और 44 124, तो 124 आ गया ये।
124 आ गया, तो दोनों भी ये तो 100% होते हैं, मतलब 24% जो ज्यादा है ना, इसका मतलब ये है कि दोनों विषयों में जो पास हुए हैं वो हुए 24%। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत, 24%। दूसरे तरीके से खुद करना, ट्राई उससे जरूर करना, क्योंकि वो तरीका तीन वाले में केस में काम होगा, तो हमें प्रैक्टिस जरूर रखनी चाहिए उसकी। सिक्स देखो, एक परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो 73% तो ये हो गए, 70% सामान्य जागरूकता में पास हुए, और 64% दोनों में उत्तीर्ण हुए, ये भी पास है ये भी पास है, और दोनों में पास है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना अपने आप। तो यहां से हमारा पास का परसेंटेज आ जाएगा कितना आएगा, 70 70, 140, 143, 143 में से कितना गए, 64 गए, तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 6 और 7, 79, कितने बचेंगे 79, और 79 अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, फेल हुए 21%, और 21% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6300, कितनी 6300, तो 21 63 300, 1% की वैल्यू आ गई 300। इसने पूछा कुल परीक्षार्थी कितने हैं, तो कुल होते हैं 100%, तो 1% की वैल्यू अगर 6300 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 63,000, सॉरी अरे 1% की वैल्यू 300 है, 1% की वैल्यू 300 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 30,000। ठीक है, अब देखो ये जो क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 7 वाले देखो, 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, यदि कोई, ये क्वेश्चन तुम खुद करना, 7 वाला क्वेश्चन तुम खुद करना अपने आप, मैं ये छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए। आठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी परीक्षा में, ये भी तुम खुद करना, दो का ही है, दो के केस तुम्हें खुद करने हैं, ये जल मैं करवा देता हूं एक बार करूं, दो का ही केस है, कर लोगे वैसे। एक देखो, किसी परीक्षा में 40% हिंदी में और 55% अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है भाई, 40% तो हो गए हिंदी में और 55% हो गए अंग्रेजी में, आगे क्या बोला है, यदि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है। अब देखो बात, केस फंस गया, देखो एक बात बताओ, अब है यहाँ पे परसेंटेज नहीं दे रखी तीसरे वाली, अगर परसेंटेज दी होती या तो दोनों दोनों में पूछ लेता कि दोनों में इतने परसेंट पास होते हैं तो माइनस कर देते, अगर ये कह देता कि फेल होते हैं तो प्लस कर देते, बट यहाँ पे परसेंटेज का किस्सा ही नहीं दिया इन्होंने, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे। अब देखो, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी में 40% थे और अंग्रेजी में 55% थे, हमें नहीं पता दोनों में कितने पास हुए, पर हमने एक्स मान ली, ठीक है, तो यहां पे अगर 55% थे अंग्रेजी में तो यहां पे 55 माइनस एक्स नहीं होंगे, हिंदी में 40 थे तो ये अकेली हिंदी में कितने होंगे, 40 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो दोनों में हो गई, इतना क्लियर है। अब आगे क्या बोला है, दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है, तो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों में उत्तीर्ण एक्स हुए हैं, और जो तो फेल होने वाले हैं वो एक्स के मुकाबले दुगने हैं, मतलब बाहर है 2x, बाहर कितने 2x हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 40 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 40, यहां से तो हमारा बनेगा 40, 40 और 55 कितना हो जाएगा 95, और 95 माइनस एक्स आ गया, तो 95 माइनस एक्स आ गया, प्लस का ये 2x, टोटल होता है 100, तो यहां से हम करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5%, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5%। अब इसने क्या बोला है कि दोनों विषयों में 16 छात्र फैल हुए, पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों विषयों में फेल कितने हुए थे 2x, कितने हुए थे 2x,
तो एक्स की वैल्यू 5% है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10%। मतलब कि 10% की वैल्यू दे रखी है 16, जो ये 16 है ना छात्र फैल हुए हैं, ये 10% की वैल्यू है, कितने 16। अगर 10% की वैल्यू 16 है तो 100% टोटल पूछे थे, 100% कितने हो गए 160। समझ में आया, समझ में आया इस क्वेश्चन को या दोबारा करवाऊं, समझ में आया या दोबारा करवाऊं? ठीक है, ये देखो अब आ गए 3 का केस। एक समाज है उसमें 500 लोग रहते हैं, 45% जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, 29% जो है हॉकी खेलते हैं और 48% खेलते हैं बैडमिंटन। अब 3 का अगर केस आ गया तो क्या करेंगे हम, एक ऐसा बना लेंगे 3 का, एक सेकंड रुकना, 3 का एक ऐसा बना लियो, ठीक है, 3 का, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 का बनाने के बाद क्या करोगे, एक मिनट रुकना, हाँ अब करते हैं। 3 का बना लिया, अब देखो एक समाज में 500 लोग रह रहे, 45% क्रिकेट खेलते हैं, ये तो मान लिया हमने क्रिकेट का, ये तो हमारा क्रिकेट का हो गया, सी लिख दिया हमने, और ये हमारा हॉकी का हो गया, एच लिख दिया, ठीक है, और ये जो है नीचे वाला ये हमारा हो गया बैडमिंटन का। अब सबसे पहले वो चीजें लिखो जो कॉमन है, इसने क्या बोला है, ये देखो 45%, 29%, 48%, ये हम बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये कहीं भाग के नहीं जा रहे। अब देखो इसने बोला 18% कोई भी खेल नहीं खेलते, तो एक बात बताओ मैं, 18% का मतलब क्या होगा, ये एक पूरा मतलब पूरा सर्किल होता है, उसमें से 18% तो हो गया बाहर का, 18% तो हो गया बाहर का, ठीक है। अब इसने बोला है जबकि 18% तो कोई भी खेल नहीं खेलते, 18% मतलब बाहर है, कोई खेल नहीं खेल रहे, लेकिन 5% लोग खेलते हैं तीनों खेल, मतलब कि ये जो बीच का है जो तीनों में आ रहा है, इसकी वैल्यू है 5%, इसकी वैल्यू कितनी है 5%। अब बोला है देखो यदि 6 लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट का गेम देखो, क्रिकेट जो है वो तो है ये, मतलब ये वाला, और हॉकी वाला ये है। अब ये जो हिस्सा जो है ना, ये जो हिस्सा दे रखा है इसको बोला है कि 6% खेलते हैं, सॉरी इसको हटाने दो, अरे रुकना यार, ये क्रिकेट था और ये हॉकी था। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो देखो क्रिकेट और हॉकी में ये आ गया ना दोनों, ये हॉकी का हो गया इतना हिस्सा और क्रिकेट का भी हो गया, ये जो हिस्सा है ये क्रिकेट का भी है और हॉकी का भी है, ये वाला हिस्सा, ये खेलते हैं 6%, तो 5% तो हमारे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो ये कितना होगा 1% होगा, नहीं होगा, इसकी वैल्यू आ गई 1%। अब आगे देखो, आगे बोला है कि 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन खेलते हैं, तो ये जो हिस्सा है ना ये वाला, ये एक सेकंड रुक, कलर चेंज कर लेता हूं, ये जो हिस्सा ना, ये तो हिस्सा जो है जिसको क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों को दिखाता है, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो है 27%, लेकिन 5% तो ऑलरेडी तीनों खेल रहे हैं, तो यहां पर कितनी बचेगी, ये बचेगी 22%। इतना क्लियर है? अब देखो अब एक बात बताओ, 22 यहां पे आ गया, 5% यहां पे आ गया, 1% यहां पे आ गया। अब हमारा क्रिकेट खेल रहे थे कितने लोग, टोटल 45% खेल रहे थे, तो 22 और 5 होता है 27, 27 और 1 होता है 28, 28% तो यहाँ पे आ गया, तो 45 में से कितना बचा, 28 माइनस करेंगे 17%, मतलब 17% जो होंगे जो क्रिकेट को अकेला गेम खेलते हैं, बस सिर्फ अकेला गेम खेलते हैं वो क्रिकेट, 17% की वैल्यू होगी ये, ठीक है। अब देखो
यहां पे हमें कुछ दे नहीं रखा, हमने ये मान लिया एक्स, ये मान लिया हमने एक्स, हमें नहीं पता कितना ही एक्स है, बट क्वेश्चन में क्या बोला है, हॉकी खेलते 29%, तो देखो 5% तो ये खेल रहे हैं हॉकी, 1% यहाँ खेले, 6% तो हॉकी यहाँ पे खेल रहे हैं, तो 29% खेलते हैं, तो 29 में से कितना गया, 6 गया, तो 23 तो ये बच गया, 29 में से 6 गया, 23 तो ये बच गया, और ये जो एक्स ज्यादा है ये एक्स कम खेलेंगे, 23 माइनस एक्स, तभी तो बनेगा 29 पूरा, 23 माइनस एक्स, और एक्स को जोड़ोगे तो बनेगा 23, और 23 और 6 बचेंगे कितने, 29%, तो ये हॉकी जो खेलते हैं वो हो गए 29%। वैसे ही 48% खेलते हैं बैडमिंटन, तो 48% में से 22 और 5 27 होता है, तो 48 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा, 21%, और ये जो एक्स परसेंट जो ज्यादा खेल रहे हैं ना, इसको हम कर लेंगे माइनस, अब जो बैडमिंटन जो खेल रहे हैं उनको जोड़ोगे, 21 माइनस एक्स, प्लस में एक्स, प्लस में 5 प्लस में 22, तो ये बनेगा 48%। इतना समझ में आया, अब कुछ नहीं करना, अब हमें इसको सोल्व करना है बस, हमें पता है ये पूरा जो है ना, ये एक रंग चेंज कर लेता हूं, ये जो पूरा है ये 45% है, क्योंकि क्रिकेट है ना, ये पूरा 45% जोड़ लो, जोड़ोगे तो 45 आएगा, 22 और 5 27, 1 28, 28 और 17 45, तो ये तो आ गए 45, सॉरी कितना आ गया, ये तो आ गया 45, प्लस प्लस कितना, 23 23 माइनस एक्स, तो ये है और एक्स ये है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, जोड़ेंगे ना तो ये तो है 23 माइनस एक्स, और प्लस एक्स जोड़ेंगे तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 23, ठीक है, 23 प्लस, ठीक है, 23 माइनस, ये भी आ गया, अब ये इस साइड कितना बचा है, ये सिर्फ 21 माइनस एक्स बचा है, 21 माइनस एक्स लिख दिया हमने, बचा हुआ कितना पार्ट है, 21 माइनस एक्स, ये हमने 21 माइनस एक्स यहां लिख दिया, और प्लस में जो कोई भी गेम नहीं खेलते वो है 18, और ये किसके बराबर होगा, ये 100% के बराबर होगा, इसको हमको सोल्व करना है कितना आएगा, तो ये सोल्व कर लो, 45 और 23 होता है 68, 68 और 20 होता है ना 21, सॉरी कितना होता है ना, 89 हो गया टोटल, यहाँ पे 89 बन गया, ठीक है इसको हटाओ, 89 और प्लस 18 कितना होता है, ये होता है 107, तो 107 आ गया ये, ठीक है ये आ गया 107, इनको जोड़ोगे तो आएगा 107, 107 और माइनस का एक्स बराबर है 100 के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पे, 7%, एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7%, तो एक्स बराबर आ जाएगा 7%। पूछा क्या है, पूछा क्या है, तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले वालों की संख्या, देखो बैडमिंटन खेलते हैं, केवल बैडमिंटन खेलते हैं 21 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू 7 है, तो 21 में से 7 माइनस कर दो, तो 21 माइनस 7 का मतलब 14%, 14% आदमी जो है वो अकेला बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है क्या खेलते हैं, अकेला बैडमिंटन खेलते हैं 14%, इतना समझ में आ गया, अब पूछा क्या है बताओ, बैडमिंटन खेलने वाले संख्या पूछिए, टोटल 500 है, टोटल 500 है, तो 500 का 14% कितना होता है, 14% निकाल लो 500 का, तो 14 को 500 से करोगे तो अपन 100 कर दोगे, 14 बन जे 70, तो 70 आदमी होंगे जो कि बैडमिंटन खेलेंगे, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया फिर करवा दूंगा, चलो वेरी गुड, देखो ये क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में गणित में 53% छात्र, भौतिकी में 61% और केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है उसमें 60%, तो मतलब तीन वाला केस है, एक बात बताऊं, ये स्क्रीन छोटी है तो मैं ऊपर दिख रहा हूँ, ठीक है ऊपर दिख रहा हूँ, ऊपर मैंने क्या किया वही काम कर लिया, मैंने तीन बना लिए, एक दो और तीन, ठीक है क्या क्या थे, मैथ था,
एक फिजिक्स था, एक केमिस्ट्री था, और ये होगा टोटल 12 वाला बॉक्स, मतलब पूरा होगा ये। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, इनको थोड़ी देर बाद में देखेंगे ये गणित, ये टोटल ना अकेले अकेले को बाद में दिखा करो, तो अकेले अकेले है ना, इनको बाद में दिखा करो। अब देखो, गणित और भौतिकी में 24%, गणित और भौतिकी में 24% है, और भौतिकी और रसायन में 35% है, गणित और रसायन में 27% है, और 5% किसी में भी पास नहीं होते। तो मतलब इन वो तीनों का नहीं दे रखा ना, सबसे मेन तो है तीनों का, तीनों का नहीं दे रखा है। तो तीनों का हम कितना मान लेंगे, तीनों का हम मान लेंगे एक्स, तीनों का हमने एक्स मान लिया, तीनों का हमने मान लिया एक्स। और जो दे रखा था, मतलब जो कोई भी नहीं, किस मतलब क्या था वो, क्या था, 5% किसी में पास नहीं होते, तो ये हो गए 5%, ये हो गए भाई 5%। अब देखो, 35% जो थे वो होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, तो 35% फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में, अरे यार 35% जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो ये अगर एक्स है तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का यही तो कॉमन पार्ट होगा, ये कितना होगा 35-x। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का हिस्सा भी है, तो 35% है, तो यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया है 35-x आएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया क्या? अब देखो आगे बोला है कि केमिस्ट्री में, गणित और केमिस्ट्री में 27%, तो गणित और केमिस्ट्री 27%, तो गणित ये, मैथ ये है, केमिस्ट्री ये है, ये पूरा हिस्सा अगर 27% है तो ये अकेला हिस्सा कितना होगा, 27-x होगा, नहीं होगा 27-x होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये भी आ गया। अब क्या था, 24% था गणित और फिजिक्स, 24% था गणित और फिजिक्स, तो अगर ये 24% है, ये पूरा, ये वाला जो पूरा है ये 24% है, तो ये अकेला कितना होगा, ये 24-x होगा, नहीं होगा 24-x, ये इसका हिस्सा है, ध्यान रखना। ठीक है, 24-x, मैं एक मिनट रुकना, इसको ऐसे लिख कर देता हूं। चौबीस माइनस एक्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24-x। ठीक है, 24-x। अब देखो इतना आ गया, अब क्या बोला था कि भाई गणित में 53% थे, भौतिकी में 61% थे, और 60% गणित में 53% थे, तो हमने एक बार, हमें पता है गणित में 63% थे ना, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ये पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा जो है वो 63% है, कितना है 63, कितना है 63। अरे यार ये पूरा क्यों घट जाता है, ये पूरा कितना है 63, इसमें ये सारा आ गया। ठीक है, ये 63 है, ये 63 पूरा आ गया, इसमें ये 27-x भी आ गया, ये x भी आ गया, 24- ये ना, ये पूरा हिस्सा आ गया, ध्यान रखना, ये पूरा, ये सारा आ गया, ये 63% में आ गया सारा। ठीक है, ये 63% में आ गया सारा, ध्यान रखना ये बात को। अब देखो, और 63, 53 था ना, 53 था, 53 था, 53 था, अभी मैं ठीक कर दूंगा। फिजिक्स में 61% है और केमिस्ट्री में 60% है, फिजिक्स में कितने हैं 61%, ये कितने थे 53 थे, इसको 53 कर लो, ठीक है 53 है। ठीक है, फिजिक्स में कितने हैं, फिजिक्स में थे 61%, तो एक बात बताओ, 25 तो ये है और 24 ये, 35 ये है, 24 ये है, 35 और 24 कितने होते, 59 होते, नहीं होते,
लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 61% था, तो मतलब दो ज्यादा है, दो तो हमने यहां लिख दिया, दो दो ज्यादा था लिख दिया हमने। ये एक्स से एक माइनस एक्स कट जाएगा, ये माइनस एक्स का ज्यादा है तो हमें प्लस एक्स करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब फिजिक्स अकेला का कितना है, 2 प्लस में एक्स है। अब आगे देखो, ये था 60%, 27 और ये है 35, ये है 27 और 35 कितना होता है, 30 और 30 60 62%, 62% होता है ना। अब ये 62% दे रखा है और हमारे क्वेश्चन में कितना था, 60%, मतलब कि 2% ज्यादा है। हमारे क्वेश्चन में 60% था, 2% ज्यादा है, तो माइनस का 2 आएगा, हमें 60 करना है ना। ये आ रहा 62, ये पहले 62 है और हमें चाहिए 60, तो 2 हमने माइनस का 2 कर दिया। अब देखो, ये माइनस का एक्स है, ठीक है, और ये प्लस का एक्स है, तो ये तो कट जाएगा। और ये माइनस का एक्स जो है ना, एक्स इसके लिए हमें प्लस का एक्स की जरूरत पड़ेगी काटने के लिए, तो ये होगा एक्स, तो यहां पे बन जाएगा एक्स माइनस 2। इतना समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले, अगर नहीं आया इसको दोबारा बताऊंगा, क्योंकि तो ये सोल्व कर लिया तो आगे तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। दोबारा, ठीक, कोई बात नहीं। देखो, नहीं मैं पूरे रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बनाऊंगा ना तो तुम्हें ध्यान रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ बार बार, तो थोड़ा गलती हो, मतलब थोड़ा ध्यान भी भटकता है। इस बार मैं बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा, अरे शिट। अब देखो हमारा, और ये पूरा बॉक्स हो गया हमारा, जो बाकी जो हिस्सा बचा ना वो ऊपर कर लेंगे इस बार। अब देखो, कितना था, 5% तो किसी में पास नहीं होते, तो 5% को तो रख लेते हैं अलग। अब हमें तीनों का पद देने रखा था भाई, तीनों में कौन है, तो तीनों का सर्किल ये है ना बीच वाला, ये सर्किल तीनों का है, तो ये मैंने एक्स मान लिया। अब क्या था, ये था मैथ, ये था हमारा फिजिक्स और ये है केमिस्ट्री, ठीक है। अब पहले दे रखा है गणित और भौतिकी में 24%, अगर मान लो ये मैथ है, गणित है और ये है भौतिकी फिजिक्स है, अगर 24% है, अगर ये एक्स है तो ये पूरा कितना है, ये पूरा है 24%। अगर ये यहाँ पे एक्स दे रखा है तो ये 24 माइनस एक्स होगा, नहीं होगा, 24 माइनस एक्स, इतना क्लियर है। अब देखो, भौतिकी और रसायन में 35%, तो भौतिकी कहाँ है, फिजिक्स तो ये है, ये हिस्सा फिजिक्स का है और ये केमिस्ट्री का, तो इसका हिस्सा कितना है, भौतिक और केमिस्ट्री का, ये तो आया पूरा, ये भौतिक और केमिस्ट्री का कॉमन हिस्सा यही तो है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 35%। बट हमारा यहाँ पे अगर एक्स है तो ये कितना होगा, ये 35 माइनस एक्स, ये होगा 35 माइनस एक्स, ठीक है। अब सुनो, आगे बोला है रसायन विज्ञान में, गणित और रसायन में, ये होगा मैथ और ये होगा रसायन, ये हिस्सा पूरा, ये पूरा गणित और रसायन का होगा कॉमन, इसमें गणित भी आ गया, इसमें रसायन भी आ गया, 27% है, तो यहां पे अगर ऑलरेडी एक्स है तो ये कितना होएगा, 27 माइनस एक्स, इतना समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, इसने स्टार्टिंग में बोला था कि गणित में 53% छात्र हैं, अब एक बात बताओ, ये पूरा गणित नहीं है क्या, ये पूरा गणित नहीं है क्या, ये पूरा अगर गणित है तो इस गणित की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस गणित की वैल्यू दे रखी है 53%, इसका तो समझ में आ गया कि 53% है भाई ये, ठीक है, इतना हमारे समझ में आ गया, 53% है ये। अब ये तीन हिस्से बच गए, एक तो ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, इनको सोल्व करना है, देखो आप कैसे करेंगे।
अरे यार कहाँ पे क्लिक करता हूँ कहाँ हो जाता है। कोई नहीं भाई, देखो अब बोला है भौतिकी में 61%। अगर भौतिकी में 61% है तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 24% तो ये रहा, 24 तो ये रहा, 35 ये रहा। एक बार जोड़ दो इनको, इनको जोड़ता हूं मैं, 24 माइनस x प्लस x और +35 माइनस x, ठीक है। और प्लस में मान लिया कितना, फिजिक्स के लिए मान लिया मैंने पी, कितना मान लिया पी मान लिया, बराबर कितना है 61%, क्योंकि ये पूरा ही तो 61% है। अरे ये पूरा 61% है नहीं है, ये पूरा 61% नहीं है फिजिक्स का। तो 24 माइनस x प्लस में 35 माइनस x और ये मान लिया मैंने पी, और ये बराबर है 61% के, कितना 61% के, कितना 61%। एक्स से ये एक्स कट गया, 24 और 35 कितना होता है, 24 और 35 होता है 59, ठीक है। तो ये 59 में इधर जाएगा तो ये बचेगा 2, 59 में 2 बच गए, तो ये तो हमारा 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो ये कट गया मतलब इस साइड चला गया, और ये इस साइड एक्स जाएगा तो ये प्लस का एक्स नहीं आएगा, माइनस का एक्स इस साइड जाएगा तो प्लस का एक्स नहीं जाएगा, तो 2 प्लस में x। तो ये p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई, फिजिक्स की वैल्यू आ गई 2 प्लस x। तो हमने क्या किया, इस p की जगह, अरे साला, इस p की जगह 2 प्लस x रख दिया, 2 प्लस x। इतना समझ में आया? ऐसे ही ऐसे ही देखो, ये दे रखा है 60%, कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा ना, ये दे रखा है 60%, 27 ये है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 27 और 35 होते हैं 62, बट होना चाहिए कितना 60 होना चाहिए, तो ये 2 ज्यादा है ना, तो हम 2 माइनस कर दिया हमने, तभी 60 बनेगा ही भाई, 27 और 35 62 और -2 60 बन गया। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स भी बचा हुआ है एक, ये तो कट जाएगा ये दोनों, तो ये तो आपस में कट गए, बट यहाँ पे माइनस एक्स बचा हुआ है, इस माइनस एक्स की वजह से हमें एक प्लस एक्स भी रखना पड़ेगा। अब इसको जोड़ देखो, इसको जोड़ के देखो, 27 माइनस x को जोड़ोगे 27 आएगा, ये 27 और 35 62, 62 में से -2 करोगे 60, और ये माइनस का एक्स और ये एक्स कट जाएगा, तो ये 60 बन गया, नहीं बन गया। अब बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, मेन कंसेप्ट तो भाई यही था, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, ये था मेन। अब देखो हमें पता है ये पूरा हिस्सा है 53, अरे यार क्या क्या करूं मैं, अब फिर से सिस्टम बनाना पड़ेगा उसका, रुको एक मिनट, कैसे था वो, ये 24 था ना, ये था ऐसे और ये था ऐसे और ये था शायद ऐसे था, ठीक है। और ये पूरा देखो, ये पूरा कितना है, ये पूरा है कितना 53%, तो हमने लिख दिया 53% भाई, 53% है प्लस, बचा कितना, बचा ये बचा 2x, तो ये है और 35 माइनस x ये है, तो 35 और 2 कितने होते हैं, 35 और 2 कितने होते हैं 37, ठीक है, तो 37 तो ये हो गया, और -x ये है, प्लस एक्स ये, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने कितना बचा, इसमें कितना बचा, ये बचा 37, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 37, ठीक है। आगे देखते हैं आगे, अब ये सिर्फ ये बता, x-2, ये x-2 बता, इसको आप लिख देते हैं x-2,
यहां लिख दिया हमने एक्स माइनस दो, और हमारा जो 5% ये भी था स्टार्टिंग वाला, 5% ये भी था, तो ये लिख दिया हमने यहां पे 5% लिख दिया हमने, ये टोटल होगा 100% के बराबर। ये बात समझ में आई नहीं आई? ये पूरा जो है वो 100% के बराबर होगा, ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये पांच, अब इसको सोल्व कर लो बस, इसको सोल्व करोगे ना तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7%, 7% आ जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है कि उत्तीर्ण बुद्धि में नहीं होने वाले परसेंट का अनुपात। क्वेश्चन में पूछा है गणित और रसायन में उत्तीर्ण उत्तीर्ण होने वाले लेकिन भौतिकी में नहीं, तो इसने पूछा गणित और रसायन, तो मैथ मैथ और केमिस्ट्री में होने वाले पर भौतिकी में नहीं। तो देखो ये तो मैथ में हुआ है 27 माइनस एक्स, और ये एक्स भी हुआ है, बट ये एक्स तो फिजिक्स में भी हुआ है, तो फिजिक्स का नहीं पूछा है, ये नहीं लेना हमें, हमें लेना सिर्फ 27 माइनस एक्स। तो ये हो गया हमारा 27 माइनस एक्स, एक तो पूछा 27 माइनस एक्स का, 27 माइनस एक्स का, ये तो हुए हैं सिर्फ मैथ में और केमिस्ट्री में पास, मैथ और केमिस्ट्री में सिर्फ यही पास हुए हैं, ये जो एक्स था ना ये तो फिजिक्स में भी पास हुआ था। इसने क्या बोला था कि सिर्फ गणित और रसायन में उत्तीर्ण लेकिन भौतिकी में नहीं, उसका पसंद का जो अनुपात जो है वो भौतिक और रसायन विज्ञान में, तो भौतिक तो है ये भौतिक का तो ये है ये वाला, और क्या था रसायन में, रसायन में ये वाला, तो इनका कॉमन कितना है 35 माइनस एक्स है, कितना है 35 माइनस एक्स, और लेकिन गणित में नहीं, तो ये एक्स नहीं लेने हमें, गणित में ये भी हुए ये नहीं लेने, तो हमें सिर्फ लेना 35 माइनस एक्स, जो सिर्फ फिजिक्स में और केमिस्ट्री सिर्फ इनमें पास हुए हो, मैथ में पास ना हुए हो, तो 35 माइनस एक्स का ये है, ये रेशो पूछा है इनका बस, 27 माइनस एक्स और 35 माइनस एक्स का रेशो पूछा है। एक्स की वैल्यू हमारी 7% आ गई थी, 27 में से 7 करोगे कम तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है, और 35 में 7 कम करोगे कितना आएगा 28 आ जाएगा, बस इसको काट लो, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, 5 रेशो 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन कम से कम 10 मिनट से ज्यादा खा गया हमारी, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ठीक है, देखो जो ये क्वेश्चन है ना 11वां वाला, ये अभी जो किया था ना वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको तुम खुद ट्राई करना, एक बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब ये तुम्हें खुद करना है, और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये खुद कर लेना, ठीक है। अब हम करते हैं 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखो, 11वां वाला खुद कर लेना, ठीक है। 12वां क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है, हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया, हमने मान लो अंश मान लिया एक्स और हर मान ली वाई, यही तो होता है अंश हर, अंश अपॉन हर है ना, यही तो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अंश मान लिया हमने एक्स और वाई मान लिया हमने हर। इसने क्या बोला है, यदि किसी भिन्न का अंश 120 ना 20% बढ़ जाता है, तो मान लो पहले ये 100 था तो अब कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, तो 120 हो गया ना, 120 बढ़ गया, अपॉन हर जो है वो पहले से 5% कम हो गया, पहले मान लो 100 था तो अब 5% कम हो गया, 95 हो गया, तो नए भिन्न का जो मान आया ना ये आया 5/2, 5/2, तो मूल भिन्न पूछिए एक्स अपॉन वाई की वैल्यू पूछिए, इसको सोल्व कर लो बस, तो 19 5 नहीं इसको करोगे तो 19 आ जाएगा, 19 5 95, और या 24 5 120, 24 5 120, ठीक है, और ये इस साइड आ जाएगा 24 5 120, अब ये 19 5 95 और 24 2 28, तो एक्स अपॉन वाई का रेशो आ जाएगा 19 5 95 और 24 24 2 48, तो 95/48,
ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में पूरा पूरा है, हिंदी में पूरा नहीं है। देखो, प्रत्येक एवरीडे ए मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक, 10% ऑफ द स्टॉक ओवर नाइट गेट्स स्पॉइल्ड। देखो क्या बोला है भाई, एक एक रात को तो क्या करता है जो विक्रेता जो है कोई भी, वो आधा स्टॉक को बेच देता है, और उसकी रात में जो आधा स्टॉक बेचने के बाद में 10% जो हिस्सा है ना वो उसका हो जाता खराब। तो एक बात बताओ, आधा हिस्सा बेच रहा मतलब 1/2, 1/2 तो वो बेच रहा है, और खराब कितना हो रहा है, खराब हो रहा है 1/10। 10% की कितनी होती है, 1/10 होती है, नहीं होती। अब ऐसा जो इफ 1983 मैंगोज रोटेट मतलब आवर 3 नाइट, 3 रात की पूछा है भाई, 3 रात जो है ना उसमें ये 1983 मैंगो है खराब हो रहे हैं, ठीक है, 3 रात में। तो 3 रात में, पहली रात में उसने आधे बेचे और 1/10 खराब हो गई, दूसरी रात में उसने आधे बेचे और 1/10 क्या हो गए, खराब हो गई, तीसरी रात में उसने आधे बेचे और 1/10 खराब हो गई। यही तो कहानी बनेगी, मतलब इतने आधे बेच रहा है 10% खराब हो रहे हैं, आधे बेच रहा है 10% खराब हो रहे हैं, आधे बेच रहा है 10% खराब हो रहे हैं। ये होगी फर्स्ट नाइट, ये होगी सेकेंड नाइट, ये होगी थर्ड नाइट, 3 रात की कहानी यही तो है। अब देखो 3 रात की बात है तो यही है। अब सुनो मेरी बात क्या है, हमें कुछ ऐसी संख्या माननी चाहिए जो कि इनका एलसीएम मान लो, इसका एलसीएम मानने से क्या है, हमें काटने पीटने में आसानी होगी। तो इनका एलसीएम होगा तो होता है, इसका तो हो गया 1000, इनका एलसीएम तो आ जाएगा 1000, और 2 2 4 8, मतलब मैंने 8000 मान लिए। 8000 एक ऐसी संख्या है जो कि हमारे पास, हम काटे पीटे करेंगे ना तो मतलब बिल्कुल परफेक्ट कटेंगे, तो मैंने 8000 मान लिया। 8000 स्टार्टिंग में उसके पास में ये थे, क्या थे, आम थे, आम थे ना, 8000 आम थे मान लो। अब देखो, अब किसा समझो, अब बात को समझो, उसके पास में 8000 आम थे, पहली रात को क्या हुआ, उसने आधे बेच दिए तो 4000 उसके पास बच गए, 4000 तो उसने बेच ही दिए, 4000 तो उसने कर दिए सेल, तो कितने बचे, 4000 बचे। अब इन 4000 में से 10% हो गए खराब, मतलब कि 400 खराब हो गए, 400 क्या हो गए, खराब हो गए थे, तो कितने बचे, 3600 बच गए। अब उसके अगले सेकंड नाइट को क्या हुआ, 3600 में से उसने आधे बेच दिए, मतलब 1800 उसने बेच दिए, 1800 उसने बेच दिए, तो कितने बचे, 1800 बच गए। अब सेकेंड नाइट को 1800 के बाद में खराब भी हुए कितने, 10% 10% कितना होता है, 180, 180 हो गए खराब, खराब हो गए, ठीक है, हमें लास्ट में खराब पूछा था ना, खराब का हिस्सा, 180 खराब यहाँ पे हो गए, 400 खराब यहाँ पे हो गए। आगे और देखते हैं कितने बचे, 1800 में से 180 गए तो कितने बचे, 1620। अब 1620 का आधा बिक गया तो कितना बिका, 810 बिक गए, और 810 रह गए उसके पास में, और इस 810 में से 10% कितना होता है, 81 होता है, और वो 81 क्या हो गया, तीसरी रात को खराब हो गए। अब टोटल खराब कितने हुए, 81 ये हो गए, 180 ये हो गए, प्लस 400 ये हो गए, 400 प्लस 180 होते हैं 580, और 580 प्लस में 81 कितने हो गए, 661। मतलब कहने का मतलब ये है, 661 आम उसके खराब हो गए, कितने खराब हो गए, 661 आम उसके खराब हो गए, मतलब 661 आम उसके खराब हो गए। और 661 आम की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1983, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 3 गुना है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 गुना। पूछा क्या है, स्टार्टिंग में उसके पास कितने आम थे, तो हमने कितने माने थे, हमने माने थे 8000, पर 8000 का 3 गुना कर लो कितना आएगा, तो 8000 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 8 से 24000, तो इसका आंसर आ जाएगा 24000। समझ में आया या क्वेश्चन नहीं, अगर
क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। राजू की फैक्ट्री में जो उत्पादन प्रति वर्ष निश्चित दर से बढ़ता है, वह दर ज्ञात करो। यदि ज्ञात यह है, दर ज्ञात करो, दर ज्ञात है कि रे इसमें ना ये है, दर ज्ञात करो। ठीक है, यदि ज्ञात है कि उत्पादन 2 वर्षों बाद दुगना हो जाता है। अब देखो मेरी बात, हमें दर नहीं पता कितनी दर से बढ़ रहा है, बट हमने ये मान लिया कि पहले साल एक्स था और फिर हो गया वाई। दर सेम है तो दोबारा मान लो हमने एक्स मान लिया और दर हो गई वाई, बढ़ रही नहीं बढ़ रही? हमने अभी अभी काफी क्वेश्चन किए थे इस पैटर्न पे। यहाँ पे जो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, रेशो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर। बट क्वेश्चन ने क्या बोला है, उत्पादन जो है 2 वर्ष में दुगना हो रहा है, मतलब कि अगर ये पहले एक था तो अब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 1:2 है तो एक्स रेशो वाई कितना आएगा, एक्स रेशो वाई कितना आएगा, 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट कितना होता है, √2 होता, नहीं होता? अब इसने ये रेट पूछी है। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें बोलूं कि भाई तुम्हारे पास में स्टार्टिंग में 1 रुपया था और 1 साल में बढ़ के √2 हो गया, तो कितना परसेंट ब्याज बढ़ा, तो ब्याज की दर कितनी होती है, √2 में से -1 करोगे, इतना तो ब्याज बढ़ा है, और कितने रुपए भी बढ़ा है, 1 रुपए भी बढ़ा है, गुणा में का 200, ये तो इसका आंसर आएगा। समझ में आया नहीं आया ये क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये इसका आंसर है √2 -1 × 100, क्योंकि 1:2 बढ़ 1 x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई √2, तो बढ़ा कितना है, √2 -1। मान लो फाइव, मैं ये बोलूं तुम्हें भाई एक पहले स्टार्टिंग में था, बाद में हो गया 2, कितना बढ़ा भाई, 1 बढ़ा, नहीं बढ़ा, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस आ गया ये, अपॉन स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में 1 था तो अपॉन में 1 आ गया, गुणा में इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर दो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन जो है 9% बढ़ जाता है। ठीक है, पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। अब एक बात बताओ, मान लो ये वाटर था और ये आइस है, और एक बात बताऊं ये रियलिटी भी है, 9% वॉल्यूम उसका बढ़ता है। तुमने एक वो पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साइंस का क्वेश्चन है कि अगर तुम पानी की बोतल भरी हुई है और उसको फ्रीज में काफी लंबे समय के लिए रख दोगे ना, तो बोतल फट जाती है, कांच की, वो बियर की बोतल, बियर की बोतल अगर कांच की बोतल रखोगे ना, कांच की बोतल रखोगे उसमें पानी भर के रख दोगे, तो वो बर्फ की वजह से वो बर्फ फैलती है, ठीक है, तो वो फट जाती है बोतल। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये 100% मान लो स्टार्टिंग में वाटर था तो कितना परसेंट वॉल्यूम हो गया, 9% बढ़ा है तो 100 से हो गया 109, 100 से कितना हो गया, 109 हो गया। अब इसने क्या बोला है, यदि वह बर्फ पानी में वापस बदला तो आयतन में कमी, ये 109 है, ये वापस पानी बनेगा तो 100 बनेगा, कमी कितनी आई, कमी आएगी 9 की, कमी कितनी आएगी, 9 की कमी आएगी, और कितने पे आएगी, ये मेन है, किस कितने पे आएगी भाई, हम बर्फ को पानी में बदल रहे हैं तो बटे में आएगा 109, क्योंकि ये 109 अब चेंज हो रही है बर्फ, तो ये कमी कितने किस में आई, 109 में, 9 कमी हुई 109 पे, गुणा कर दो 100, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे ना तो 8 सही 28/109, ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है,
समझ में आया ये वाला? समझ में आया नहीं आया जल्दी बताओ, एक दो क्वेश्चन अच्छे आएंगे अब। ठीक है जी, अब देखो ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, ये जो है ना क्या नाम है 16 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, समझना इसको ठीक है। 16 क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसको देखना अच्छे से। किसी पार्टी में केवल विवाहित जोड़ों को बुलाया गया, ठीक भाई, सारे मतलब शादीशुदा हैं। यदि बुलाए गए लोगों में से 44 सही 4/9% लोग शाकाहारी हैं। अब ये इससे हमें एक बात समझ में आएगी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या समझ में आता है कि भाई 44 सही 4/9 लोग शाकाहारी हैं, तो जो बाकी बचेंगे वो मांसाहारी होंगे। तो यहां से हमें टोटल कैलकुलेशन, हम टोटल जो पॉपुलेशन जो जितने बंदे हैं उनकी आइडल आइडल लग सकता है हमें। हमें पता है 44 सही 4/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36 का 6, 3 9 चौक 36 39, 396 + 4 मतलब 400/9, 400/9 इसको हम लिख सकते हैं, 400/9%। बट अगर परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे, तो इस परसेंटेज को हटा दो और अपॉन कर दो गुणा 100, तो 900 जाएगा ही। मतलब कि अगर मान ले हम कि स्टार्टिंग में 900 आदमी थे, तो उनमें से 400 आदमी जो होंगे वो क्या होंगे, शाकाहारी होंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई? अगर टोटल 900 लोग थे तो 400 लोग जो होंगे वो शाकाहारी होंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने मान लिए यहां पे टोटल जो थे वो मान लिए मैंने 900। अब इसने क्या बोला था कि विवाहित जोड़े हैं, तो मतलब 450 तो होंगी मेल और 450 होंगी फीमेल, 450 तो होंगी मेल और 450 होंगी फीमेल, ठीक है। आगे क्या बोला है कि 60% पुरुष है ना वो मांसाहारी है। यार स्क्रीन छोटी पड़ेगी, मैं ऊपर लिख लेता हूं, इतना समझ में आया ना। आगे देखो, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, टोटल 900 मान लिए हमने, हमारे उस परसेंटेज के हिसाब से 900 आ गए थे, 900 हमने टोटल मान लिए। तो विवाहित जोड़े हैं तो 450 तो होंगे मेल और 450 ही होंगी फीमेल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 60% पुरुष जो है मांसाहारी है, पुरुष है मांसाहारी, तो 450 का 60% कितना होता है, 450 का 60% कितना होता है, तो कितना होता है, 0 से 6 5 30 और 6 4 24 और 3 27 270। 270 जो लोग हैं, 270 जो मेल हैं वो क्या हैं, वो क्या हैं, वो मांसाहारी हैं, क्या है, मांसाहारी। बट हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन देखा था, हमारा जो बना था 400/500 बना था, सॉरी 400/900 बना था, टोटल 900 थे, टोटल थे 900, लेकिन उसमें से 400 क्या थे, शाकाहारी। टोटल मेल थे 900 जिसमें से 400 शाकाहारी थे, तो 500 क्या हुए, मांसाहारी हुए नहीं हुए, इसमें मेल भी आ गए और फीमेल भी आ गए। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 270 मेल जो है वो मांसाहारी हैं, तो सीधी सी बात है हमें 500 मांसाहारी टोटल करने हैं। अगर 270 अगर मेल हैं तो 230 फीमेल होंगी, क्योंकि 270 और 230 होते हैं 500, हमारे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 500 मांसाहारी हैं, तो 270 अगर मेल मांसाहारी हैं तो 230 जो होंगी वो फीमेल मांसाहारी होंगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं है पहले ये बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई पहले ये बताओ। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अरे कहाँ गए तुम, ठीक है। आप देखो,
अब 230 सही आ गए, आगे क्या बोला है, तब पार्टी में, ठीक है, आगे क्या बोला है, 4% पुरुष मांसाहारी, इतना हमारा काम हो चुका, आगे देखो, आगे बोलता है, तब पार्टी में उपस्थित पिताओं की संख्या यदि 20% पुरुष है, पुरुष पिता है, अच्छा छोड़ो इसको, अभी इसमें आगे देखो क्या है, दिया गया है कि 920 महिलाएं मांसाहारी हैं, 920 महिले मांसाहारी हैं, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी मांसाहारी हैं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 230 मांसाहारी हैं, बट इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ये हमने हमने यूनिट मान के चले, ये हमने स्टार्टिंग में 500 मान 900 मानने थे, ये हमने 900 यूनिट मानने हैं, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 230 यूनिट मांसाहारी है, क्या है 130, 130 क्या आएगा, सुनो मेरी बात, अरे 270 और 230 500 होता है, 270 और 230 500 होता है, हम 400 तो, 400 तो शाकाहारी थे, तो 400 थे ना वो, ये शाकाहारी थे, हमें मांसाहारी की बात कर रहे हैं हम, तो मांसाहारी कितने होंगे, टोटल 900 हैं और 400 शाकाहारी हैं, तो मांसाहारी 500 होंगे नहीं होंगे, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 270 तो मेल मांसाहारी है, तो 500 में से कितना घटाएं, 500 में से 270 माइनस करो तो 230 आएंगी, ना कि 130, क्योंकि मांसाहारी 500 है। अब देखो आगे, बट क्वेश्चन में दिया है कि 920 महिलाएं मांसाहारी हैं, तो 920 दे रखी हैं, मतलब कि क्वेश्चन में हमारे अकॉर्डिंग 230 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 920, कितने गुना है ये गुना है 4, मतलब 4 गुना है ये, तो 4 गुना है, तो हमारे जो हमने ये स्टार्टिंग में 900 माने थे ना, तो ये रियल में 4 गुना 3600 है, रियल में जो मेल टोटल है ना, टोटल मेल और फीमेल वो 3600 है, और इसके हिसाब से मेल कितने हुए, 450 गुना में 4, रियल में मेल कितने हुए, 450 गुना में 4, ठीक है, रियल में मेल जो है वो है 450 गुणा में 4, 4 गुना है ना, इसलिए अब पूछा है कि 20% जो मेल थे ना वो पुरुष पिता है, मतलब 450 गुणा 4 जो आएगा ना, उसका 20% जो है वो है पुरुष पिता, ठीक है, तो 20% निकाल लो इसका, 1/5 और 5 × 45 90, 360, तो जो 360 जो है वो क्या होंगे, वो फादर हैं, 360 क्या है, वो फादर है, ये आप क्वेश्चन समझ में आया है नहीं बताओ, ये बताओ, अगर नहीं आया फिर से करवाता हूँ, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, मेंस लेवल का क्वेश्चन था ये, मेंस में आते हैं ऐसे, आ गया समझ में, कितने क्वेश्चन है इस सीट, बस एक क्वेश्चन बता लास्ट, ये 17 वाला क्वेश्चन बता लास्ट, बस अच्छा क्वेश्चन था ये एडवांस, ये सॉरी सीजल का जो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये प्री में तो कभी नहीं आएगा, ये प्री में भी आएगा ना तो सीपीओ में आ सकता है, तुम्हारे सीएचएसएल में और सीजल में नहीं आएगा, मतलब उम्मीद तो है भी नहीं बिल्कुल भी, बाकी होने में तो कुछ भी हो सकता है, सीपीओ में तो थोड़े पेपर का लेवल अच्छा बनाते हैं मैथमेटिक्स का। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, इसको हिंदी में देखो, 17 वाला क्वेश्चन है ना यार, इसमें थोड़ा सा कम है शायद, ये थोड़ा क्वेश्चन कम है, ये अगली सीट में मिलेगा, देखता हूँ जो अगली सीट देखता हूँ, अगली सीट में मिलेगा, रुक जाओ, देखो, किसी कंपनी एक्स वाई जेड में अनुस्नातक व स्नातक कर्मचारी की कुल संख्याओं के बीच में अनुपात 13:15 है, 13:23 सॉरी, तो ये एक तो मान लो अनुस्नातक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंडरग्राउंड एम्प्लॉई, तो अंडरग्राउंड एम्प्लॉई जो है ना वो है यू, क्या है, यू है, और स्नातक मतलब जो ग्रेजुएट एम्प्लॉई है ना वो क्या है, अरे अनुस्नातक होता है अंडर ग्रेजुएट,
तो अंडर ग्रेजुएट में हुआ यू और ग्रेजुएट के लिए मैंने लिख दिया जी। तो अंडर ग्रेजुएट तो मान लो 13 है और ग्रेजुएट है 23, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है, कंपनी की केवल दो शाखाएं हैं, ठीक है, एक मुंबई में है एक दूसरी दिल्ली में है। मुंबई की शाखा जो है ना उसमें जो अंडर ग्रेजुएट जो है ना, अंडर ग्रेजुएट है उनकी संख्या जो है वो 351 है। कितनी है? 351 है, जो कंपनी के कुल अंडर ग्रेजुएट कर्मचारियों का 30% है। अब मेरी बात सुनो, देखो हमारे क्वेश्चन में 13 है अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट का 13 का 30% कितना होता है? 13 का 30% कितना होता है? 3.9। 3.9 होता है, नहीं होता? और 3.9 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 351। 3.9 की वैल्यू कितनी है? 351। 3.9 की वैल्यू कितनी है? 351 है। तो कितने गुना है ये? ये है 90 गुना। कितने गुना है? 90 गुना। पूछा क्या है? कंपनी में स्नातक कर्मचारी कुल संख्या, तो स्नातक कितने हैं? 23 है। हमने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दे रखा है 23, तो 23 की संख्या पूछी है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 90 है तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 23 गुणा 90 आ जाएगा आंसर 2070। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? देखो जो ये 18वां क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम कहोगे तो करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। मतलब इतना थोड़ी एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट पर काम करेगा, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा तो एक बार समझ में नहीं आया दो बार पढ़ा दूंगा, बट अगर तुम पढ़ना चाहोगे तो ही पढ़ाऊंगा इसको, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है ये। देखो मेरी बात सुनो, एक एक बार इसका पैटर्न समझो क्या होता है। मैं तुम्हें ये बोलू, मान लो मल्टीपल में देखो, अगर मैं तुमको ये कहूं ए बराबर बी गुणा सी है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बी में तो हुई है 10% की वृद्धि और सी में भी हुई है 10% की वृद्धि, तो एक बात बताओ ए में कितने परसेंट की वृद्धि हुई होगी? गुणा में है, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में है। हम उस दिन कर रहे थे ना सेविंग, हम उस दिन कर रहे थे ना हमारी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, वहां पे प्लस होता था, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये बात ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में है ये। अब मेरी बात समझो, एक देखो मान लिया हमने स्टार्टिंग में क्या थी, इसकी इनकम थी, ए की इनकम थी 100, बी की इनकम भी मान लो 100 थी, ठीक है। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 10,000 आएगा, नहीं आएगा? इसमें 10% बढ़ा तो 100 का 10% बढ़ेगा 110 हो जाएगा, और इस 100 का 10% बढ़ेगा 110 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 121 गुणा 20, एक ये यहाँ पे कितना था? 10,000 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12,100। मतलब कि पैटर्न क्या काम कर रहा है देखो, ये कितना परसेंट बढ़ता है? देखो अगर मैं मान लू तुम्हारा पहले 10% बढ़ रहा है, फिर 10% अगले साल 10% बढ़ रहा है, तो 10 गुणा में 10 बटे 100। अगर फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ रहा है, सेकंड ईयर में 10% बढ़ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है यहाँ पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है अगर मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे 10 और 10 20, और ये कटेगा एक बार तो 21% बढ़ता है, मल्टीप्लाई में 21% बढ़ेगा वो, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, इस क्वेश्चन को समझना। अब देखो किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या का के परसेंट की वृद्धि, कर्मचारी जो है ना उसमें तो हुई के परसेंट की वृद्धि, और साथ ही उनके काम के घंटों में भी के परसेंट की वृद्धि हुई, एक बात बताओ, और इस कारण कंपनी का उत्पादन जो है 50.0625% बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी का जो प्रोडक्शन होगा, कंपनी का जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? प्रोडक्शन कितना डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉई, नंबर ऑफ एम्प्लॉई गुणा वर्किंग हावर, वर्किंग हावर भाई कितने आदमी हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं, उनको हम उनका मल्टीप्लीकेशन तो आएगा प्रोडक्शन,
मैं बोलूँ कि दो आदमी काम कर रहे हैं, 3 घंटे काम कर रहे हैं, तो 3 गुणा 2 छह, तो उसका प्रोडक्शन छह पे डिपेंड करेगा ना। अब देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, इसने बोला था के परसेंट, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, और वर्किंग आवर में भी के परसेंट की बढ़ोतरी हुई थी। कितनी हुई थी? के परसेंट की। हमें नहीं पता के परसेंट कितना है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन था उसमें बोला था 50.065, 50.065, इसमें तो बढ़ोतरी हुई थी 50.065, इसमें हुई थी के परसेंट और के परसेंट। अब एक बात बताओ, मान लिया हमने, देखो पहले सबसे पहले तो 50.065 को फ्रैक्शन में बदल लो, तो फ्रैक्शन में 50% तो ये आ जाएगा, प्लस 0.0625, 50% होता है 1/2, और 0.0625 होता है 1/1600। 1600 कैसे आया? देखो दो, यहाँ पे अगर पॉइंट होता तो 1/16 आता ना, 1/16 कितना होता है 6.25 होता, नहीं होता? और यहाँ पे दो के बाद जीरो लगा रहा, तो 1600 मैंने यहाँ पे इसलिए जीरो लगा दिया ये। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो एक बार। तो इसका मैंने ले लिया 1600, 2 800 यहां से आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहां से, तो 801/1600। ये समझ में आया नहीं आया? इतना बताओ, फ्रैक्शन मैंने इसका निकाल लिया 801/16, 801/16, ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, मतलब कि हमने इसका फ्रैक्शन निकाल लिया 801/1600। अब मेरी बात को समझो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय में के परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है और वर्किंग आवर में भी के परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब एक बार हमने ये मान लिया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे एक्स और बढ़ोतरी होने के बाद में हो गए वाई। हमें नहीं पता कितनी, हमने के परसेंट बढ़ोतरी हुई है तो हमने एक्स से वाई मान लिया। मान लिया हमने वर्किंग आवर स्टार्टिंग में एक्स थे और बढ़ोतरी होने के बाद में मान लिया वाई। सेम मैंने इसलिए माना है एक्स वाई क्योंकि दोनों में सेम बढ़ रहा है के परसेंट, इसमें भी के परसेंट बढ़ रहा था, इसमें भी के परसेंट बढ़ रहा, तो मैंने सेम मान लिया। इससे हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। नहीं तो अब देखो, हमारे हमें पता है ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक बात बताओ, जो प्रोडक्शन में बढ़ाई बढ़ी हुई है, तो मान लो प्रोडक्शन पहले मान लो 1600 था, तो अब कितनी की बढ़ोतरी हुई है? पहले प्रोडक्शन 1600 यूनिट का था, तो 801 यूनिट की बढ़ोतरी हुई नहीं हुई? मतलब कि एक्स स्क्वायर ये पहले 1600 था, अब बढ़ गया 801, तो 1600 + 801 हुआ नहीं हुआ? 1600 + 801 हुआ या नहीं हुआ? 1600 और 801 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 2401। कितना आया? 2401। ये जो वैल्यू आई है ये आई है एक्स स्क्वायर और क्या भाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रेशो आ गया 1600/2401, 2401 सॉरी, 2401 है ये, 2401। अब ये बताओ, मैं अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो एक्स की और वाई की, तो हम इसका रूट कर देंगे नहीं कर देंगे? इनका रूट कर देंगे, तो एक्स और वाई की जो रेशियो आएगी वो 1600 रूट और 2400 रूट में आएगी। तो 1600 का रूट कितना होता है? 40। एक्स की वैल्यू आएगी 40 और वाई की वैल्यू आएगी 49 का रूट होता, 49 का स्क्वायर होता है 2401। मतलब कि स्टार्टिंग में अगर एक्स इंप्लॉय थे तो बाद में 49 इंप्लॉय हो गए, और स्टार्टिंग में अगर 40 घंटे काम कर रहे थे तो वो अब कर रहे 49 घंटे। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है, शुरुआत कंपनी ने शुरुआती कर्मचारियों की संख्या याद करो, अगर कुल 720 नए कर्मचारी शामिल हुए हों, हमारे अकॉर्डिंग कितने शामिल हुए हैं? हमारे अकॉर्डिंग हुए 9 शामिल। नए कर्मचारी कितने आए हैं? 9, कि 40 पहले थे और 9 बढ़ गए, 9 हुए हैं, और 9 की वैल्यू दे रखी है 720, तो कितने गुना है ये? 80 गुना है ये, 9×8 72, 80 गुणा बढ़ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। तो हमारे स्टार्टिंग में कितने थे? 40 थे, तो 40 की भी 80 आएगी आंसर।
तो 80 को गुणा कर दो, 3200 कर्मचारी हमारे पास में पहले से थे। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, अगर नहीं आया है तो फिर से करवाता हूं। लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा, एक बार दोबारा संक्रमण कर दो, मैंने देखा नहीं आ गया, अच्छी तरह समझ, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है चलो अब क्लास को करते हैं बंद, ठीक है। और कैसी लगी तुमको ये क्लास आज? हमारा परसेंटेज जो टॉपिक था ना, परसेंटेज वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। परसेंटेज टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर तुम्हें नहीं मिलेगा जो इस पैटर्न पे ना हो। तुम जो भी एग्जाम दोगे ना, सारे परसेंटेज क्वेश्चन इसी बेस पे मिलेंगे जो हमने आज और मतलब तीन चार जो वीडियो जो है उनमें हमने किए हैं, ठीक। कल हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज के बाद में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप हमारे यूट्यूब वाले चैनल पे अगर नए हो तो हमारा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अगर पसंद आ रही है वीडियो तो सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आज की क्लास को बंद करते हैं, ठीक है। आज यह हमारा परसेंटेज अच्छे से कंप्लीट हो गया, अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं व्हाट्सएप वगैरह पे तो हूं नहीं, टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, अगर डाउट लगता है कोई क्वेश्चन में, जो सीट में कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप टेलीग्राम कर देना, ठीक है, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। अब क्लास को हम एंड करते हैं, बाय, टेक केयर।